हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और कैसा हो अगर विदेश में आपकी एक्सचेंज्ड करेंसी को नकली बताई जाए? आपका दिल बैठ जाएगा, है ना? Well, ऐसा ही कुछ हाल इंडिया में आने वाले टूरिस्ट का भी होता है, जब कैब या टैक्सी ड्राइवर्स उनकी नोट को नकली बोलकर, उनसे असली नोट लेकर, उन्हें नकली नोट थमाकर उनके साथ स्कैम करते हैं और इंडिया का नाम खराब करते हैं। लेकिन ये ट्रैप सिर्फ पैसों से ही नहीं, सिम कार्ड से भी किया जाता है, क्योंकि इंडिया में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के बिना सिम कार्ड को बेचना इलीगल है। पर टूरिस्ट ये सब कायदे कानून से परे होते हैं, इसी का फायदा उठाते हुए दुकानदार उनसे पैसे तो असली लेते हैं, लेकिन बदले में उन्हें बंद या फिर यूज्ड सिम कार्ड्स देते हैं। पर सच कहूं तो ये तो प्यार से ट्रैप करने वाले स्कैम्स थे, जबकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो खुद ही पहले उन्हें जबरदस्ती बुलाते हैं, उनसे ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं, और फिर जब टूरिस्ट वहां से जाने लगते हैं ना, तब ऐसे में उनसे डोनेशन मांगते हैं। और जब डोनेशन से उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती, तब इस तरह से चीजों की मांग भी करते हैं। जैसे कि बाप का राज हो। किंतु ये ट्रैप्स यहीं पर खत्म नहीं होते, इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, जिसके लिए चलते हैं और शुरू करते हैं हमारे ये वीडियो, द वर्स्ट टूरिस्ट ट्रैप्स इन इंडिया। तो भाई लोग, जब भी इंडिया की बात होती है, पूरी दुनिया का यही मानना है कि यहाँ के हर कोने में नए रंग और नए ढंग देखने को मिलते हैं, और इस देश की इसी खासियत की वजह से यहाँ हर साल लाखों में टूरिस्ट आते हैं। लेकिन वो बेचारे इस बात से अनजान होते हैं कि इंडिया का सिर्फ कल्चर ही नहीं, यहाँ का स्कैम भी बहुत ही रंगीन होता है। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं अद्भुत टूरिस्ट ट्रैप्स की चर्चा कर लेते हैं। सस्ती चीज महंगी से, जो कॉमन तो है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि बेचारे टूरिस्ट के साथ इंडियन बाजारों में कुछ ऐसा धोखा होता है ना, कि उन्हें 200 रुपए की चीज 2000 में चिपका दी जाती है, और फिर चाहे वो इसी तरह से मार्केट की कोई वस्तु हो या रेस्टोरेंट का मेन्यू। और इस ट्रैप में टूरिस्ट को फंसाने में सहयोगी होता है इन दुकानदारों का कन्विंसिंग पावर, जो टूरिस्ट को यकीन दिला देता है कि इन चीजों की कीमत वाकई में इतनी ही है। यही नहीं, ये स्कैम्स रेस्टोरेंट्स में भी होता है ठीक इसी तरह। इसीलिए तो कई रेस्टोरेंट्स में हम लोकल लोगों के लिए अलग मेन्यू और फॉरेन टूरिस्ट के लिए अलग मेन्यू देखते हैं, जिसमें वो एक एक फूड आइटम की कीमत 5-स्टार होटल से भी ज्यादा रखते हैं, पर क्वालिटी वो ऑर्डिनरी होटल लायक भी मुश्किल से देते हैं। रेस्टोरेंट्स और दुकानदारों की क्या ही बात करना, हमारे यहाँ तो बेगर्स भी ये स्कैम करते हैं, भिखारी तक 1 से 1.5 बन जाते हैं गोरी चमड़ी को देखकर। एंड लेट मी टेल यू, इनका ये स्कैम किसी टूरिस्ट का मोहताज नहीं होता, लेकिन हाँ, टूरिस्ट को ट्रैप करना इनके लिए ज्यादा आसान होता है, खास तौर पे तब जब ये अपने गोद में कुछ महीनों का बच्चा लिए उनसे खाना या पैसे मांगते हैं। बहुत ही कॉमन स्कैम है, हर गली में दिखता है ये। अब किसी इंसान को ऐसे हालत में देखने के बाद भी लोकल लोग तो इन ट्रैप्स में नहीं पड़ते, क्योंकि वो इनकी सच्चाई जानते हैं, किंतु टूरिस्ट को ये बेचारे और मजबूर लगते हैं। इंडिया में बहुत गरीबी है, गरीब हिंदुस्तानियों की हमें मदद करना चाहिए, और इसीलिए वो इनकी तरफ दरिया दिली दिखाते हुए इन्हें इनकी जरूरत की चीजें दिला देते हैं। लेकिन ऐसा होते ही मांगने वाले का भूला बिछड़ा खानदान सब लाइन में खड़ा हो जाता है, जिसके बाद ये जानना बेहद मुश्किल हो जाता है कि इनमें से कौन जेन्युइनली जरूरतमंद है और किसने इंसान को ट्रैप किया है। और इसी तरह के कई ऑनलाइन ट्रैप्स की कहानी आपने सुन रखी होगी, जहां बड़े बड़े ऑफर्स का सपना दिखाकर लोगों को ट्रैप किया जाता है। पर डिजिटलाइज इंडिया के सुनहरे फ्यूचर में हम इस डर के साथ अपने कदम पीछे नहीं ले सकते कि इनसे किसी भी टूरिस्ट को उसकी मंजिल तक एक मोल भाव किए हुए अमाउंट में पहुंचाते हैं। और आप खुद ही देखिए किस तरह से सिर्फ 3 किलोमीटर के लिए इस रिक्शा वाले ने पहले 150 रुपए मांगे और फिर मोल भाव करके उसे 78 रुपीज में छोड़ा। इट क्लियरली मीन्स कि टूरिस्ट समझदार नहीं होता तो वो 3 किलोमीटर के लिए डबल पैसे देके आ जाता। लेकिन जो लोग मीटर से चलते हैं वो लोग तो एकदम जेन्युइन होते हैं, है ना? Well, ये सोचने से पहले ये भी जान लीजिए कि जो ड्राइवर्स मीटर टूटने का बहाना नहीं देते ना, वो अपने मीटर में ही झोल करते हैं ताकि वो तेजी से बढ़े और उनकी कमाई दोगुनी हो। यही नहीं, जब टूरिस्ट इन ड्राइवर्स को अपने होटल या रेस्टोरेंट का एड्रेस देते हैं तो इनमें से कहीं होटल बंद हो गई है या फिर इस नाम से ऐसा कोई होटल नहीं है या फिर होटल वाला रास्ता बंद है, ऐसे बहाने देकर टूरिस्ट के साथ नॉन एग्जिस्टिंग होटल का स्कैम करते हैं, क्योंकि इनका मकसद टूरिस्ट को उस होटल ले जाना होता है जहां इनको टूरिस्ट के बदले में कमीशंस मिलते हैं। वैसे इंडिया का हर ट्रिप बिना किसी धार्मिक जगह गए अधूरा ही होता है,
हाँ ये बात अलग है कि वहाँ भी रिलीजन के नाम पे स्कैम्स होते हैं, जहाँ टूरिस्ट के हाथों पे या तो धागा बांधा जाता है या फिर उनके माथे पे टीका लगाया जाता है और बदले में उनसे पैसे मांगे जाते हैं। किंतु सिर्फ धागे और टीके तक ही ये स्कैम सीमित नहीं है, कई बार तो टूरिस्ट से आस्था के नाम पे इस तरह से डोनेशन मांगे जाते हैं जो जाहिर सी बात है ओरिजिनल ट्रस्ट के पास नहीं जाते। इन्हीं ट्रैप्स में शामिल है वो ट्रैप जो तब तक ट्रैप नहीं लगता जब तक सामने वाला बंदा टूरिस्ट से अपनी बातों और जानकारी के बदले पैसे नहीं मांग लेता। इसे आम भाषा में अनरिक्वेस्टेड गाइड्स ट्रैप कहा जाता है, जिसमें टूरिस्ट के बिना कुछ मांगे ही उसे फ्रेंडली होकर अगला बंदा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या उस जगह के बारे में सही गलत जानकारी दे देता है और सब खत्म हो जाने के बाद टूरिस्ट से पैसे मांगता है। और हालांकि इस ट्रैप पर कोई सर्वे अभी तक सामने नहीं आया है, पर इसका जिक्र आपको टूरिस्ट ट्रैप्स में जरूर मिलेगा, जिसकी वजह से कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बाहर ही असली और नकली टूर गाइड्स को पहचानने के कुछ ट्रिक्स दिए होते हैं। पर यहाँ सवाल यह है कि ऐसे सब स्कैम्स करके लोगों को क्या फायदा होता है? Well, the answer is ज्यादा प्रॉफिट और एक्स्ट्रा कमीशन। जी हाँ, इन स्कैम्स को करने वाले टूरिस्ट से मीठी मीठी बातें कर उन्हें गुमराह करते हैं और बदले में सस्ती चीज से ज्यादा प्रॉफिट या तो खुद ही कमाते हैं या फिर कमीशन साइकिल के तहत कुछ परसेंट अपनी जेब में डालते हैं। और इसीलिए तो कई बार ऑटो और कैब वाले इन टूरिस्ट को अपने जान पहचान वाले के होटल्स उसकी मार्केटिंग करते हुए ले जाते हैं, या फिर अगर किसी टूरिस्ट को कुछ खरीदना होता है तो उन्हें उसी दुकान पे ले जाते हैं जहां से उनका कमीशन बांधा होता है। पर कुछ बेचारे मासूम लोग खुद को इन ट्रैप से बचाने के लिए ये सोच लेते हैं कि अगर वो अपनी ट्रिप किसी ट्रैवल एजेंसी के जरिए प्लान करेंगे तो उन्हें ऐसे नहीं लूटा जाएगा। वेल, उनकी सोच सही है लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि कुछ ट्रैवल एजेंसीज तो जेन्युइन होती है बट वहीं पर कुछ ऐसी भी होती है जो खुद ही ऐसे स्कैम्स करवाती है और अपने एजेंट्स के जरिए टूरिस्ट को महंगे मार्केट्स और महंगे रेस्टोरेंट्स बेचती है जहां से उन्हें टोटल बिल से ऑन एन एवरेज 5-6% कमीशन मिलता है। ऐसे ही थोड़ी ना ट्रैवल एजेंसीज और उनसे जुड़े एजेंट्स की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत टूरिस्ट से मिलने वाला कमीशन होता है। लेकिन इंडिया में टूरिस्ट से कमाई सिर्फ ऐसे ट्रिप्स तक ही लिमिटेड नहीं है, क्योंकि कई बार ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ट्रैप्स और कमीशन से होने वाली छोटी मोटी कमाई को भी साइड कर ऐसे प्लान्स बनाए जाते हैं जिसमें उन्हें लाखों करोड़ों का फायदा हो सके। इसी फायदे के चक्कर में उनकी किडनैपिंग तक की जाती है ताकि बदले में ज्यादा पैसा मिल सके। ऐसे ही टूरिस्ट किडनैपिंग का केस पिछले साल दिल्ली में रिपोर्ट हुआ था, जिसमें दो लोगों ने मिलकर एक फॉरेनर को पहले किडनैप किया और फिर उसकी रिहाई के बदले उससे 2 करोड़ की मांग की। पर फॉरेनर्स के साथ होने वाले गलत सुलूकों में किडनैपिंग इकलौता नहीं है, क्योंकि इंडियन कल्चर को देखने आए लोग सेक्सुअल असॉल्ट तक के विक्टिम बनते हैं, जहां इन्हें बड़े बड़े सेफ और सिक्योर 5-स्टार होटल्स में भी बख्शा नहीं जाता है और इनके भी साथ दिन दहाड़े कभी बीच चौराहे में तो कभी किसी होटल के कमरे में रेप जैसे हादसों की न्यूज भी सामने आती रहती है। लेकिन सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट ही नहीं, हमारे यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बेहद कॉमन है। इनफैक्ट अनटॉक के रिपोर्ट्स के मुताबिक टूरिज्म की ही बदौलत इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ग्रोथ ज्यादा हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी यहीं आते हैं और इसी क्राइम की वजह से भी यहाँ आने वाले टूरिस्ट ही है जो इंडियन कल्चर के साथ ही यहाँ सेक्स और चाइल्ड सेक्स टूरिज्म का भी लुफ्त उठाने आते हैं। और ये बात मैं नहीं, रिपोर्ट्स कहती है, जिसमें ये साफ बताया गया है कि गोवा और केरला में टूरिस्ट सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्स और बीच बॉयज के लिए जाते हैं। पर जाहिर है इंडिया में ये दोनों चीजें ओपनली अनएक्सेप्टेबल है और इसीलिए जब इसके लिए इंडियंस की कमी होने लगती है तब मिडिल ईस्ट, फिलीपींस, नेपाल और बांग्लादेश से आए टूरिस्ट की किडनैपिंग कर उन्हें सोर्स किया जाता है। और जब कभी रिस्ट्रिक्शंस के चलते ट्रैफिकिंग नहीं हो पाती तो उस सिचुएशन में टूरिस्ट को किडनैप कर उनकी ही ट्रैफिकिंग की जाती है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो फॉरेनर्स के अगेंस्ट सबसे ज्यादा क्राइम्स इंडिया के कैपिटल न्यू दिल्ली में होता है, जो NCRB के अकॉर्डिंग 2019 में 30.1% था। इन्हीं वजहों से US में इंडिया आने वाले सभी विजिटर्स के लिए इंक्रीज्ड कॉशन का फ्लैग रेज किया गया है, विच मीन्स US से इंडिया आने वाले हर टूरिस्ट को सावधान और सतर्क दोनों रहना चाहिए। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये स्कैम्स और ट्रैप्स लिमिटेड टूरिस्ट के साथ ही होते हैं और शायद इसी वजह से इंडियन कल्चर और उसकी डाइवर्सिटी बार बार टूरिस्ट को यहाँ अट्रैक्ट करती है। तभी तो यहाँ से जाने वाला हर टूरिस्ट अपने एक्सपीरियंसेस का गुणगान दुनिया भर में करता है और पूरी दुनिया को बताता है कि किस तरह से इंडिया में आज भी अतिथि देवो भव को साबित किया जाता है,
क्योंकि उनका मानना है कि हर जगह अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। और टूरिस्ट के ऐसे ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस को सुधारने के लिए इंडियन गवर्नमेंट खुद भी कई स्टेप्स ले रही है। जैसे अगर टूरिस्ट को इंडिया के किसी स्टेट में जाना है तो वो पहले स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट चेक कर सकते हैं, ताकि इससे उन्हें उस स्टेट का बेसिक आइडिया मिल जाए और वो ठगे जाने से बच सके। इसके अलावा हर स्टेट में टूरिस्ट की मदद करने के लिए गवर्नमेंट ने टूरिस्ट ऑफिस भी बनाए हैं, जहां से वो खाना पीना, मार्केट, ट्रैवलिंग जैसी चीजों की इंक्वायरी कर सकते हैं। इससे होगा ये कि टूरिस्ट के ऐसे ट्रैप्स में फंसने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि टूरिस्ट चाहे देसी हो या विदेशी, हर नई जगह पे उसे लोग अपने स्कैम का विक्टिम बनाने की कोशिश जरूर करते हैं। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, इस तरह के टूरिस्ट स्कैम्स बंदे के साथ हर नई जगह पे होते हैं, जहां कुछ लोकल्स मिलकर अपने फायदे के लिए उससे ज्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं, जिसे आई एम श्योर आप में से भी काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। मैंने पर्सनली जरूर किया है। तो अगर आप चाहो तो अपने एक्सपीरियंस को नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, ताकि उनसे लोगों को कुछ सीखने मिले। और इसी के साथ ही इन ट्रैप से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बचाने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर इससे कुछ नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, गेट सेल्फ फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड फ्रेंड्स, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।